पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और लखनऊ की पीजीआई के उतरठिया रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें अच्छे बंगाली बंथरा का रहने वाला बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया है और एक अन्य बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर पीजीआई पुलिस देर रात संदिग्धों की धर पकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान पुलिस को चार बाइक सवार बदमाशों के आने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। पुलिस द्वारा बाइक सवारों को रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी और आगे चल रहे दो बाइक सवार भाग निकले। पीछे के दो बाइक सवार बदमाशों में एक लूट की घटनाओं में वांछित चल रहा था और जिसका नाम अक्षय नाथ था, जिसे पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी और साथ ही अन्य दूसरे अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि बाइक और पर्स, बाइक और मोबाइल फोन कुछ छीने गए थे। तो एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बाइकों पर चार बदमाश हैं, वो जा रहे हैं। तो क्राइम टीम और पीजीआई की टीम को लगाया गया था। चेकिंग करते समय जब काफी तेजी से उतरटिया की तरफ से क्रॉसिंग की तरफ भी आ रहे थे तो रोकने की कोशिश की गई तो और तेजी से दौड़ाने लगे। तो जो आगे वाली बाइक थी वो तेजी से निकल गई, लेकिन पीछे वाली बाइक का जब पुलिस पार्टी पीछा करने लगी तो उसने फायर कर दिया। तो हमारी जो पुलिस टीम है वो लगभग डिसबैलेंस हो गई, लेकिन सूचना देकर। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।